क्या पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म हो चुका है? क्या हाईकमान के आदेश पर कैप्टन मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दूरियां मिट गई हैं? ये ऐसा सवाल है जो पंजाब की राजनीति में अभी भी बना हुआ है। लेकिन यदि नवजोत सिंह सिद्धू के पिछले कुछ ट्वीट्स की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वे इस वक्त कांग्रेस के विरोधियों के खिलाफ पंजाब में काफ़ी हावी दिख रहे हैं, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच दूरियां पहले के मुकाबले तो कुछ कम हुई हैं। यदि उनके पिछले ट्वीट्स की बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पर बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और पूर्व सरकार शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को निशाने पर लिया है। आपको बता दें, उन्होंने पूर्व की पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बादल के हस्ताक्षरित पीपीए थर्मल पावर प्लांट और मजीठिया के साथ अच्छे ऊर्जा मंत्री के रूप में पंजाब को लूटने का काम पूर्व की बादल सरकार ने किया है। वहीं इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी काफ़ी हावी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के बिजली संकट के बीच पंजाब की जीवन रेखा हमारे थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाए, यही केजरीवाल चाहते हैं और पंजाब की जनता भीषण गर्मी में असहाय रहे। ऐसे में इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का जो झुकाव है वो कैप्टन की तरफ दिख रहा है। वहीं आपको बता दें, पिछले दिनों सोनिया गांधी से हुई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हाईकमान का आने वाले अध्यक्ष को लेकर जो भी फैसला होगा वह हम मानेंगे। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ से। धन्यवाद।